टी20 क्रिकेट का रोमांच इन दिनों चरम पर है। पिछले चार दिन में दुनिया के तीन सुपर ओवर देख लिए। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का तीसरा और चौथा मैच सुपर ओवर में जाकर खत्म हुआ और अब 1 फरवरी को एक और मैच टाई हुआ और इस मैच का फैसला भी सुपर ओवर में हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला ट्राई सीरीज जारी है। शनिवार को इंग्लैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच एक बेहद रोमांचक मैच खेला गया और ये मैच भी टाई हो गया। नतीजा सुपर ओवर के जरिए निकला जहां इंग्लिश महिलाओं ने बाजी मार ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हीथर नाइट की धमाकेदार 50 के बूते 156 रन बनाए तो वहीं हीथर ने 45 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से कुल 78 रन की पारी खेली। फ्रॉन विल्सन ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन ही बना पाया। अब सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 9 रन का लक्ष्य लिया जिसे इंग्लैंड ने कप्तान हीथर नाइट ने 2 लगातार चौके जड़ते हुए आसानी से पा लिया और अब सीरीज का तीसरा मैच रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि सुपर ओवर से पहले भारत ने न्यूजीलैंड को उसकी सरजमीं पर मैच टाई होने के बाद ही मात दी थी। तीसरे टी20 में जहां रोहित शर्मा ने छक्का मारकर सुपर ओवर में भारत को जीत दिलाई तो वहीं चौथे टी20 में राहुल के बाद विराट ने दमदार खेल दिखाते हुए भारत को लगातार दूसरे टी20 में जिता दिया। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।